Assalamu alaikum dear students, how are you all? Myself Waseem Pathan sir from Anglo Urdu High School and Junior College Dharamgaon. In this video we are going to learn the poem 3.3. Please don't read this poem given on pages from 73 to 76 of your My English Book 7. Ken Nesbitt is a children's poet. He writes humorous poems. They express children's feelings and experiences. Aziz Talba, aaj hum is video mein 3.4 please don't read this poem. Is poem ka mutalaya karne wale hain. Ken Nesbitt, tasveer mein aap inhe dekh sakte hain. Inhone bahut sari चिल्ड्रंस पोएम्स का कलेक्शन इनकी शायद हुई है. चंद एक आप यहाँ पर देख सकते हैं. इनकी लिखी हुई ये पोएम है वो चिल्ड्रंस पोएट कहलाते हैं. और उन्होंने ही राइट्स ह्यूमरस पोएम्स और वो मजाहिया ह्यूमरस मजाहिया पोएम्स लिखते हैं. और वो पोएम्स बच्चों की फीलिंग्स यानी जज्बात और एक्सपीरियंसेस यानी तजर्बात को जाहिर करती हैं. ऑर्डिनरी ऑल ऑथर्स वांट पीपल to read their literature. Author यानी poet, literature यानी all written work. Author poets जो अपनी नज़में लिखते हैं या मुसन्निफी novel drama वगैरह लिखते हैं वो चाहते हैं कि सभी उनकी poems पढ़ें. But funnily मजाहिया तौर पर the author of this poem keeps on warning not to read his poem. लेकिन मजाहिया तौर पर इस पोएम के पोएट यानी केन नेस्बिट नहीं चाहते कि लोग उनकी पोएम पढ़े. द वार्निंग्स हैव जस्ट द अपोजिट इफेक्ट और इनकी वार्निंग का लोगों पर मनफी असर पड़ता है. अपोजिट इफेक्ट यानी बरअक्स मुखालिफ असर पड़ता है. यू आर टेम्प्टेड इवन मोर टू रीड द पोएम और आप टेम्प्ट किए जाते हैं, आपको उकसाया जाता है ये कहकर एक तरीके से कि आप ये पोएम पढ़ें. तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.